गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हमने किस्टन इम्परफेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 2.4 टॉपिक है। उसमें हमने किस्टन इम्परफेक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, पॉइंट इम्परफेक्शन, लाइन इम्परफेक्शन, एरिया इम्परफेक्शन, तो हमने पॉइंट इम्परफेक्शन डिस्कस कर लिए थे, जिसमें कि हमने बताया था कि पॉइंट इम्परफेक्शन तीन टाइप के हैं, वैकेंसी, इम्प्योरिटी और इंटरस्टिशियल। उसके बाद में हमने लाइन डिफेक्ट्स, लाइन इम्परफेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि टू टाइप्स के होते हैं, एक तो एज डिसलोकेशन और दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन। तो हमने एज डिसलोकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, आज हम स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्क्रू डिसलोकेशन जो है, इसको समझने के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। तो फर्स्ट डायग्राम हमने बनाया है, जिसमें कि जो हमारे पास में जो भी लैट स्ट्रक्चर है, वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हमारा क्रिस्टल है वो परफेक्ट आइडल कंडीशन के अंदर है। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई किए टॉप टू बॉटम, जैसे कि हमने डायग्राम के अंदर बताया है कि शेयर स्ट्रेस इसके अंदर क्या हुई है, अप्लाई हुई है। तो शेयर स्ट्रेस की वजह से हमारे को क्या मिलता है, सेकंड जो हमने डायग्राम बनाया है उस टाइप की स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो जब हम शेयर स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, तो जो पर्टिकुलर बीच में एक हमारे पास में प्लेन होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो हमको क्या होती है, मिलती है। तो जब हम इसमें क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस लगाते हैं जब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये बिल्कुल प्लेन अकॉर्डिंग टू प्लेन, इनिशियली अकॉर्डिंग टू प्लेन क्या होते हैं, डाइवर्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर डिसलोकेट होते हैं। तो इसलिए हमने बताया है इसमें कि स्क्रू डिसलोकेशन अक्योर व्हेन द एटम्स आर डिसप्लेस्ड इन टू सेपरेट प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बताया हमने, स्क्रू डिसलोकेशन अकर व्हेन द एटम्स आर डिस्प्लेस इन टू सेपरेट प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे हमने बताया कि जैसे हमने जो डायग्राम लिया है, हमने शेयर स्ट्रेस ऊपर से अप्लाई किए हैं, तो जो एटम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर प्लेन में मिड के अंदर वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं इन टू सेपरेट प्लेन्स। वो टू सेपरेट प्लेन में क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, और वो जो है वो प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इन स्क्रू डिसलोकेशन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अपीयर लाइक दैट ऑफ ए स्क्रू। तो इसमें क्या होता है, जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा जब वो क्या होंगे, डाइवर्ट होंगे अपनी पोजिशन से, तो एक स्क्रू पोजिशन के अंदर क्या होंगे, डाइवर्ट होंगे, और इसको अपन हेलिकल सर्फेस भी बोल सकते हैं। तो जब हम इस पर्टिकुलर नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर, नॉर्मल क्रिस्टल जो है, प्योर क्रिस्टल है, उसमें जो हम क्या लगाते हैं, शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, तो जो पर्टिकुलर जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, टू पर्टिकुलर प्लेन के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और एक तरह से क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इनिशियली क्या होता है, डिस्टॉर्ट होते हैं, बाद में तो वो बिल्कुल एक ही प्लेन के अंदर क्या होंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे, बट इनिशियल क्या होते हैं, दो प्लेन के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जो कि एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उससे क्या हो जाती है, एक स्क्रू टाइप से स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे कि अगर अपन स्क्रू देखें, तो स्क्रू के अंदर क्या हो जाती है, एक दो प्लेन के अंदर हमारे पास क्या बना होता है, थ्रेड्स बने होते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है, ये एक स्क्रू टाइप से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो प्लेन के अंदर क्या हो जाते हैं, जो कि परपेंडिकुलर है, उसके अंदर एटम्स क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। बाद में फिर वो एक सिंगल प्लेन के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि थर्ड डायग्राम के अंदर बताया कि एक नीचे पूरा हमारे पास क्रिस्टल था, पर जब हमने शेयर स्ट्रेस लगाई, तो पहले इनिशियल क्या हो गई, वो एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस्ड हुए, फिर वो एक सिंगल प्लेन के अंदर क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह से डिस्टॉर्ट हो रहे हैं वो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह से डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर डिस्टॉर्ट होंगे, तो उसको हम जो बोलेंगे, पॉजिटिव स्क्रू डिसलोकेशन। और अगर मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर ये डिस्टॉर्ट होंगे एटम्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव स्क्रू डिसलोकेशन, नेगेटिव
स्क्रू डिसलोकेशन, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एटम्स क्या होंगे डिस्टॉर्ट होंगे तो उसको हम पॉजिटिव स्क्रू डिसलोकेशन बोलेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एटम्स जो होंगे डिस्टॉर्ट होंगे तो उसको हम नेगेटिव स्क्रू डिसलोकेशन बोलेंगे, जैसे कि थर्ड डायग्राम में बताया गया है। और इस पर्टिकुलर जो हमारे पास स्क्रू डिसलोकेशन होता है, इसमें बर्जर वेक्टर क्या होता है, पैरेलल टू द डिसलोकेशन होता है। पैरेलल जैसे कि एज डिसलोकेशन में तो क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था डिसलोकेशन के, बट यहाँ पर स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर जो बर्जर वेक्टर होता है पैरेलल टू द डिसलोकेशन होता है। तो इस देखिए डिसलोकेशन की वजह से क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जो मटेरियल जो क्या होता है, जब भी मटेरियल डिफॉर्म होगा प्लास्टिकली तो वो क्या होंगे, उसमें एटम्स क्या होंगे डिसलोकेट होंगे। तो हमने बताया कि इन आइडल क्रिस्टल टू डिफॉर्म द क्रिस्टल लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड, जब भी कोई अगर आइडल क्रिस्टल होगा और उसको हम चाहते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर शेप देना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट अगर यही हमारे पास में क्या कहते हैं रियल क्रिस्टल है जिसमें कि इम्परफेक्शन है तो हमको उसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, कम फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिसलोकेशन लीड्स टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को डिसलोकेशन क्या करता है, बढ़ाता है। तो डिफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, एक अच्छा होता है, डिसलोकेशन होने से क्या होता है जो मटेरियल क्या होता है ईजिली क्या हो जाता है प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है, और उसको हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह हम क्या करा सकते हैं बना सकते हैं, बड़ी बड़ी मेटल से हम क्या कर सकते हैं शीट तैयार कर सकते हैं, रोलर्स तैयार कर सकते हैं ड्यू टू द इम्परफेक्शन। तो अगर हम कंपेयर करें एज डिसलोकेशन को और स्क्रू डिसलोकेशन को, जैसे हमने दोनों चीज़ समझ लिए, हमने एज डिसलोकेशन भी देखा और स्क्रू डिसलोकेशन भी देखा, तो हम दोनों को समझने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें डिसलोकेशन लाइंस, डिसलोकेशन लाइंस की अगर हम बात करें तो एज डिसलोकेशन के अंदर ये क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द बर्जर वेक्टर होती है। जैसे कि हमने देखा था कि जो डिसलोकेशन लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द क्या होती है, बर्जर वेक्टर होती हैं। जबकि अगर हम स्क्रू डिसलोकेशन की बात करें तो डिसलोकेशन लाइंस क्या होगी, पैरेलल टू द बर्जर वेक्टर, क्या होगी ये, पैरेलल टू द बर्जर वेक्टर। डिसलोकेशन लाइंस जो होंगी वो पैरेलल टू द बर्जर वेक्टर होगी। तो अगर हम इसके अंदर देखें जो सेकंड डायग्राम है, जिस डायरेक्शन में ये जिस प्लेन के अंदर ये क्या हो रहे हैं डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये क्या हो रहे हैं डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में क्या है बर्जर वेक्टर है। तो बर्जर वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल टू द डिसलोकेशन लाइन। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डिसलोकेशन, क्या है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डिसलोकेशन। तो अगर इसकी बात करें अपन तो एज डिसलोकेशन हमने देखा था जिस डायरेक्शन के अंदर अपने शीयर स्ट्रेस लगाई थी, टेंसाइल स्ट्रेस से कंप्रेसिव स्ट्रेस, आप जिस डायरेक्शन में भी लगाते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर बर्जर वेक्टर होगा। तो बर्जर वेक्टर इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द डिसलोकेशन उसकी क्या होगा, पैरेलल होगा, उसकी क्या होगा ये पैरेलल होगा। जबकि डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द डिसलोकेशन इसमें क्या होगा, स्क्रू डिसलोकेशन में परपेंडिकुलर टू द बर्जर वेक्टर होगा, क्या होगा ये परपेंडिकुलर टू द बर्जर वेक्टर होगा। तो दो अलग अलग चीज़ें, एक तो डिसलोकेशन लाइंस, एक है डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ द डिसलोकेशन, दो अलग अलग चीज़ें। क्योंकि डिसलोकेशन जो जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो तो डिसलोकेशन लाइंस है, और डिसलोकेशन के लिए जो आप मूवमेंट प्रोवाइड दे रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द डिसलोकेशन वो अलग चीज़ है, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो एज डिसलोकेशन के अंदर जो डिसलोकेशन लाइंस है वो परपेंडिकुलर टू द बर्जर वेक्टर है और पैरेलल टू द बर्जर वेक्टर है इन स्क्रू डिसलोकेशन। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द डिसलोकेशन की इन एज डिसलोकेशन के अंदर, तो इट्स तो डायरेक्शन ये क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा बर्जर वेक्टर के पैरेलल होगी इसकी। जबकि अगर स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द ये बर्जर वेक्टर होगी। तीसरा अगर पर बात करें शेयर फोर्स की, आप शेयर फोर्स नीड की बात करें तो स्क्रू डिसलोकेशन अपन बात करें एज डिसलोकेशन की तो लेस फोर्स रिक्वायर्ड, उसके अंदर लेस फोर्स की आवश्यकता होती है। जबकि हमको इसके अंदर जो स्क्रू डिसलोकेशन है इसके अंदर हमको मोर फोर्स की क्या होगी, आवश्यकता होगी, क्योंकि जो एटम्स हैं उनको क्या करना है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है दो प्लेन के अंदर, इसलिए हमको ज़्यादा फोर्स की क्या होगी आवश्यकता होगी। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेस फील्ड की अगर अपन बात करें तो हमको यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेस हो सकती है। जबकि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर तो यहाँ पर ओनली क्या होनी चाहिए, शेयर स्ट्रेस ही होनी चाहिए, जिस शेयर स्ट्रेस की वजह से ही वो क्या होगा डिस्टॉर्ट होगा टू प्लेन्स के अंदर एटम्स। फिर इसके अगर बाद हम बात करें मोशंस की तो इसमें ट्रेवल फास्ट अंडर लोड,
तो इसके अंदर लोड के अंदर क्या होता है, ट्रेवल क्या होता है, फास्ट होता है, मोशन फास्ट होता है, जबकि इसके अंदर अपन बात करें स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर ये क्या होता है, स्लो होता है। अब एज डिसलोकेशन का रीजन क्या है, हाफ लेन ऑफ द एटम्स इंसर्टेड इन अ क्रिस्टल, तो क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, जब हाफ लेन इंसर्ट होता है तब एज डिसलोकेशन हमको क्या होता है मिलता है, जबकि स्क्रू डिसलोकेशन है इसका रीजन क्या है, व्हेन द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल डिस्प्लेस्ड एंगुलरली ओवर द रिमेनिंग पॉइंट, तब जब कोई भी पार्ट ऑफ द क्रिस्टल क्या होता है एंगुलरली डिफॉर्म हो जाता है तो उनको क्या होता है स्क्रू डिसलोकेशन मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरह के लाइन डिफेक्ट हो गए, एक तो स्क्रू एज डिसलोकेशन और दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन। तो काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन डिफेक्ट्स को आप क्या करें, एक्सप्लेन करें, तो इसमें एक तो ये बात हो गई, दूसरा शॉर्ट नोट्स या कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि बर्जर वेक्टर के डायरेक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो जो एज डिसलोकेशन है उसमें बर्जर वैक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन्स एंड इन इज द पैरल टू द डिसलोकेशन लाइन्स इन द स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको क्या करना पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये डायग्राम को ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके बाद में क्या है, एरिया डिफेक्ट्स, थर्ड जो हमारे पास डिफेक्ट था वो क्या था, हमारे पास एरिया डिफेक्ट था। तो एरिया डिफेक्ट क्या होता है, एरिया डिफेक्ट को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ़ द क्रिस्टल डिफेक्ट्स अपीयर इन टू डायमेंशन, इफ़ द क्रिस्टल डिफेक्ट्स अपीयर इन टू डायमेंशन थ्रू द माइक्रोस्कोपिक रीजन ऑफ द क्रिस्टल इट इज़ कॉल्ड एन एरिया डिफेक्ट। अगर मान लीजिए जो इम्परफेक्शन है, जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं, वो टू डायमेंशन के अंदर मिल रहे हैं अपन को, इफ़ द क्रिस्टल डिफेक्ट्स अपीयर इन द टू डायमेंशन थ्रू द माइक्रोस्कोपिक रीजन ऑफ द क्रिस्टल तो इट इज़ कॉल्ड एरिया डिफेक्ट। अगर टू प्लेन्स के अंदर अगर अपन को मान लीजिए कि कोई डिफेक्ट्स मिल रहा है किसी क्रिस्टल के अंदर तो क्या कहलाएगा, एरिया डिफेक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, तीन टाइप के जो क्रिस्टल इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स उसको कर लिया डिस्कस हमने, पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स एंड एरिया डिफेक्ट्स। इसके बाद में हम डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, जो हमारा फिफ्थ जो टॉपिक है 2.5 डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल, इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मेटल डिफॉर्मेशन आर द फॉलोइंग टाइप, जो मेटल डिफॉर्मेशन होता है, जब भी किसी मेटल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो मेटल क्या होगा, डिफॉर्म होगा। जब भी लोड अप्लाई किया जाएगा तो मेटल क्या होगा, डिफॉर्म होगा। ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसके अंदर जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, चाहे वो मान लीजिए कि अगर उसके ऊपर टेंशन लोड अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल क्या होगा, पुल होगा, खींचेगा, और अगर हम उसके कंप्रेसिव लोड लगाए हैं तो मेटल क्या होगा, कंप्रेस होगा, उसकी लेंथ कम होगी। बट जब तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर क्या होता जाएगा, डिफॉर्मेशन आता जाएगा। बट इन द प्लास्टिक रेंज, जैसे कि अपन ने पढ़ा है हुक्स लॉ वगैरह के अंदर पढ़ा है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था, तो अप टू द इलास्टिक लिमिट जो मेटल है उसमें क्या होता जाता है, जैसे जैसे हम लोड अप्लाई करते जाते हैं वैसे वैसे उसमें क्या होता जाता है, लेंथ उसकी बढ़ती जाती है, डिफॉर्मेशन उसमें आता जाता है। बट अप टू द इलास्टिक लिमिट अगर हम लोड रिमूव कर देते हैं तो मटेरियल वापस क्या हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजिशन के अंदर आ जाता है। तो ओरिजिनल पोजिशन तक जो भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इस इलास्टिक लिमिट के बाद में अगर हम फिर भी लोड अप्लाई करते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, प्लास्टिक रेंज के अंदर चला जाता है। तो इलास्टिक लिमिट तक जो भी डिफॉर्मेशन आएगा दैट इज़ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाएगा। देखिए इसी को हमने बताया है कि एटम्स का अरेंजमेंट बताया गया है, हमने चार एटम्स हैं, सेंटर में एटम्स हैं, तो बिफोर लोडिंग हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया, जैसे हम इसमें टेंशन लोड अप्लाई करते हैं तो यह क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टू डायग्राम इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, और अगर इस पर हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू थ्री डायग्राम क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट तक ही बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि इट इज़ द डिफॉर्मेशन विच डिसअपीयर व्हेन द लोड इज रिमूव, तो जैसे लोड हटा दिया जाएगा, लोड जैसे अप्लाई किया, अगर टेंशन लोड अप्लाई किया तो सेकंड स्ट्रक्चर मिल गई, और अगर लोड अपन ने कंप्रेसिव लगाया तो थर्ड स्ट्रक्चर मिल गई, पर जैसे लोड हटा दिया जाएगा वापस से क्या हो जाएगी, फर्स्ट हमारे को क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो यही बताया कि इट इज़ द डिफॉर्मेशन विच डिसअपीयर व्हेन द लोड इज रिमूव, इट इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ द मेटल एंड इज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम ऑफ अ मेटल।
तो ये मटेरियल की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और उसके अंदर कितना जो भी डिफॉर्मेशन होगा किस पर डिपेंड करेगा, जो भी डिफॉर्मेशन होता है इस पर डिपेंड करेगा। या इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें डिफॉर्मेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि एटम्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है। क्लियर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जैसे कि हमने बताया कि जब एटम्स पर जब भी हम किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं तो इलास्टिक लिमिट तक तो क्या होता है, अगर लोड हटा दिया तो वापस वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है डिफॉर्म होने के बाद में भी। बट मेटल पर लोड अप्लाई करते जा रहे हैं और डिफॉर्म होता जा रहा है, और इलास्टिक लिमिट के बाद में भी अगर हम लोड अप्लाई करते जाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होता जाएगा। बट इलास्टिक लिमिट के बाद में अगर हम लोड हटाते हैं तो मटेरियल क्या होता है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता है, उसमें जो डिफॉर्मेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज़ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो उसमें यही बताया गया है कि इट इज़ द डिफॉर्मेशन विच परसिस्ट व्हेन इवन आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड। इट इज़ द डिफॉर्मेशन विच परसिस्ट इवन आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड। लोड हट दिया जाता है तब भी इसके अंदर क्या रहता है, डिफॉर्मेशन रहता है। इट इज़ एसोसिएट विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स। ये एटम के डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है विद इन द ग्रेन्स एंड कॉज अल्टीमेटली परमानेंट चेंजेस इन द शेप ऑफ द मटेरियल। तो ये जब तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर जो होता है मटेरियल के अंदर क्या होता है, परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए बताया गया कि इट इज़ एसोसिएट विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स विद इन द ग्रेन्स एंड कॉज अल्टीमेटली परमानेंट चेंजेस इन द शेप ऑफ द मेटल्स। सॉरी, इन मटेरियल द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जनरली टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ स्लिपिंग। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो वो ड्यू टू द स्लिप की वजह से होता है, स्लिपिंग की वजह से होता है। तो हम स्लिप समझ लेते हैं, स्लिप क्या है। स्लिप इज डिफाइंड एज अ शेयर डिफॉर्मेशन दैट मूव्स एटम्स बाय मैनी इंटर एटोमिक डिस्टेंसेस इन वन क्रिस्टल प्लेन और एटम्स ऑफ अनदर क्रिस्टल प्लेन्स। क्या होता है, हमने स्लिप इज डिफाइंड एज अ शेयर डिफॉर्मेशन दैट मूव्स एटम्स बाय मैनी इंटर एटोमिक डिस्टेंसेस इन वन क्रिस्टल प्लेन ओवर द एटम्स ऑफ अनदर क्रिस्टल प्लेन्स। तो हमने देखिए फर्स्ट डायग्राम, तीन डायग्राम बनाया है। फर्स्ट डायग्राम बताया जिसमें एटम्स क्या है, नॉर्मल पोजिशन के अंदर है। तो जब इसके अंदर हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एटम क्या होंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, लेफ्ट टू राइट टॉप के अंदर क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, और नीचे राइट टू लेफ्ट क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, क्योंकि शेयर स्ट्रेस इसी तरह से लगाई गई है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे जो एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएंगे टॉप के अंदर, और बॉटम के अंदर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेन है ये क्या कहलाता है, स्लिप प्लेन कहलाता है। तो जब भी हम किसी मेटल स्ट्रक्चर पर शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें एक शेयर प्लेन जनरेट हो जाता है, और शेयर प्लेन्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाती हैं, जो एटम्स जो होते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लिप्स बोलते हैं। तो ये परमानेंटली हो जाते हैं अगर शेयर स्ट्रेस जब भी अप्लाई करेंगे तो हमारे शेयर डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगी, स्लिप जनरेट होगी, और स्लिप की वजह से क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, दैट इज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, दैट इज़ द स्लिप। तो आप लोगों को ये टॉपिक क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।